हरि ओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक विशेष और बहुत ही प्रभावी योग मुद्रा बताने वाला हूँ। इससे पहले आप तक लगातार मेरे वीडियोस पहुँचते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस करें। तो हम बात कर रहे थे वो कौन सी योग मुद्रा किस समस्या के लिए है। वो योग मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा विशेषतः उन लोगों के लिए है जिनको आए दिन गैस की समस्या रहती है। गैस अर्थात वायु रोग आज एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई व्यक्ति ग्रस्त रहता है। इसके पीछे कारण बहुत हैं। अनियमित दिनचर्या, गलत खान पान, दिनचर्या में आपके कोई वर्कआउट ना होना, लगातार सिटिंग बैठे बैठे काम करना, या अत्यधिक दवाओं का सेवन करना, या आपका पेट साफ ना होना, कब्ज की शिकायत बनी रहना। कब्ज के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने यौगिक उपचार, कब्ज के कारण, लक्षण और किस तरह प्राकृतिक रूप से आप कब्ज को दूर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उनको जरूर देखें। क्योंकि गैस का मुख्य कारण कहीं ना कहीं पेट साफ ना होना अर्थात कब्ज का एक मुख्य कारण है। तो आज मैं आपको इस वायु रोग से कैसे निजात पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्रा से मैं आपको बताता हूं। किसी भी आसन में आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, वज्रासन बिल्कुल सीधे देखिए, दोनों घुटनों को मोड़कर कमर सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। जिन लोगों को घुटने का दर्द है वो लोग इस आसन में ना बैठें, वो लोग सिंपल पालथी मारकर सुख आसन में बैठ सकते हैं, या इस मुद्रा को चेयर पोज किसी कुर्सी पर या बैठ पर बैठकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के जड़ में निचले हिस्से में लगाएंगे, बाकी उंगलियां बिल्कुल सीधी रखेंगे। योग मुद्रा, वायु मुद्रा, इसको कहते हैं योग की एक मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में तर्जनी उंगली को एक बार फिर देखिए, मैंने अंगूठे की जड़ में लगाया है और बाकी उंगलियां बिल्कुल सीधी रखी हैं। इसको आप इस तरह बिल्कुल सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, पूरा कंसंट्रेशन बनाएंगे। वायु मुद्रा ऐसे रोगियों के लिए जिनको वायु का प्रकोप अत्यधिक है, शरीर में वात रोग अर्थात वायु रोग बढ़ने पर बहुत सी ऐसी समस्याएं जैसे घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, रीढ़ के दर्द बहुत परेशान करते हैं। अगर आप अपना पेट साफ रखते हैं और वायु को वायु मुद्रा के द्वारा नियंत्रित कर लेते हैं तो आप बहुत से रोगों पर अत्यधिक और जल्दी ही नियंत्रण पा सकते हैं। तो कोशिश करिए, वायु मुद्रा अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करिए। शुरुआत में आप 2 से 3 मिनट बैठ सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार इसका समय आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हरिओम।